प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था, मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आंखों से दूर मुझे रोकना था, उसे उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बनूंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज दी और वो उसका पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं, उससे कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मनो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रही था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था।
मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का, ना और ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके के लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी से मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोले, और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गए थे उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है।